वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्नितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नितानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुवश्यकिपासिन्दुभवश पतितानं पावुनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हैतगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवश्च

भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्तिहं वनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुष ते महा चरुणार्विन्दं विस्फुरजित किमपि गपवधुष्वदर्शि पूर्णानुराग्रसगरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि mm -hmm. श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्रियाद्वैतगदाधर शिवसदिः गौरभक्तविन्द श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्रियाद्वैत गाधर गौर गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे अजानुलम्बितभुजौ कनकाबुधातु सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विशाम्बरो द्विजवरु युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरु करुणाभृतारु हरे कृष्ण हरे कृष्ण

भुक्तिं च मुक्तिं च तदासि भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्वमभागं नारायणो प्रियमनङ्गुमदापहारम् वरानसिपुरपति भज वीशनाथ वागीषुष्वदे लक्ष्मीज व्क्षसि ये हृदय संबी िंगम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে জেবা মহীষে কিত সৌ হৃদ জনষু দের गेहि सुजायात्म जाराती मतसू प्रीति युक्ता यवdartा श्लोके जेवा मय से कितसो उहिdartा यानेशु देहांंतर वार्ता केसु गेहि सुजायात्म प्रीति युक्ता यवdartा श्लोके गौर्य गोष्ठीपति श्री शिलाभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी छागर पहुपा जगत गुरु जी ने बताए वैष्णव ये जगत का गणचिंतन का जो स्रोत है ये जो गण चिंता का जो स्रोत है एक विशुद्ध वैष्णव एक वैष्णव का भी ये जगत का जो गण चिंतन का जो स्रोत है अपने को ये स्रोत में बहा नहीं देते हैं गौरी गोष्ठीपति श्री शिला भक्ति तो सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपाह जगत गुरु जी ने बताए एक विशुद्ध वैष्णव कभी अपने को ये जगत का जो चिंता का जो फ्लो है स्रोत है स्ट्रीम है ये स्रोत में अपने को बहा नहीं देते हैं क्योंकि एक वैष्णव का एक एक्सक्लूसिव विचार है एकांतिक विचार है बहुत सुंदर गुरु वैष्णव कभी ये जगत का लाभ पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि विषय में कोई आशा नहीं रखने वाले बिल्कुल विशुद्ध गुरु वैष्णव कभी इस जगत का जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि इन सभी चीज़ों में कोई आस्था नहीं रखते बिल्कुल तमाम जो चीज़ है अपना सब कुछ गुरुवर्गों का चरण में देखे अपने समर्पित आत्मा हो के आनंद से ज़िंदगी गुजारता है इसीलिए लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि विशुद्ध गुरु वैष्णव का कोई चिंतन का विषय नहीं है और ये जगत का जो वेदधर्मो लोकधर्मों आदि ये सब जो चीज़ है ये सब चीज़ों में उदासीन रहते हैं और लोगों का निंदा चुकली लोगों का प्रशंसा लोगों का निंदा ये सब चीज़ों में उदासीन रहते हैं वेदो लोक धर्मों, धर्मों आदि जितना सारे तमाम शरीर धर्मों मानसिक धर्मों मन धर्मों, इन सभी से परे रहते हैं हर वक़्त हर बगत ये सब चीज़ों से परे रहते हैं हर बगत बहुपात कहते हैं ये विप्रलम्ब भाव से हर वक्त भगवान का भजन में डूबे रहते हैं जगत का जो लोको लोकोधर्मों आदि वेदो धर्मो लोको धर्मो जितना सारे है समाज मन धर्मो शरीर धर्मो सारे सब चीज़ों से हर वक्त परे रहते हैं ये सब चिंतन में नहीं रहते हैं हर वक्त विप्रलम्ब भाव लेकर भगवान का भगवान का अनुचिंतन में हरि कथा हरि कीर्तन हरुच चिंतन में हर वक़्त मशगूल रहते हैं आनंद से उछल पड़ते हैं इस जगत में वास्तव साधु मिलना बहुत मुश्किल है पोपाद कहते हैं इस जगत में एक वास्तव साधु का कोई आदर नहीं है इस जगत में सच पूछो सच पूछो तो इस जगत में एक वास्तव साधु का कोई कीमत नहीं है झूठा जगत भुलाए पोपाजी जी कहते हैं इस जगत में ऐसा ही स्थिति है जो गुरु वैष्णव जगत का मंगल के लिए अपना जीवन जिंदगी सब दे दिया है भगवान के चरण में फिर भी ये लोगों को विश्वास नहीं करते और कथा हरि कीर्तन का नाम पे जो जगत को चीट करने का व्यवस्था किया है कथा हरि कीर्तन का नाम पे जगतवासी को वंचना करने का कोशिश कर रहा है इन सभी का पीछे आदमी दौड़ रहा है क्या करे अब कुछ उपाय नहीं श्री जगदानंद पंडित जी ने बताए साधु पबा जगते कोठिन जानिया साधु गुरु रूपे किश्नो आइला न दिया श्री जगदानंद पंडित जी ने बताए श्री जगदानंद पंडित जी ने बताए महाप्रभु का पार्षद जब साधु पाना साधु मिलना इस जगत में बड़ा कठिन है वाकई ही वाकई ही एक वास्तव साधु का साथ मिलना उसका कीपा प्राप्त होना बड़ा कठिन है इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बहाना बना के सन्यासी ग्रहण किया सन्यास ग्रहण किए मतलब साधु वेश धारण किए करके इस जगत में आम आदमी को शिक्षा देने के लिए अवतीर्ण हुए ये महाप्रभु खुद कहते हैं अपनी आचारी धर्मों सवारी सिखाए अपनी न आचार्य धर्मों सिखान ना जाए चैतन्य महाप कहते हैं पहला बात तो ये है कोई अगर पूछे है महाराज कोई अगर पूछे गौरी भजन क्या है आप थोड़ा कीपा करके बटान बताने का कोशिश करें कष्ट करें ये गौरी भजन क्या है अगर कोई पूछे तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं शुरू से लेकर अंत तक हर वक्त रोना 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 यही है गौरी भजन विप्रलम्ब भाव हर वकत भगवान से बिछड़े हुए है हैं हम लोग भगवान से बिछड़ गए ये विरह यंत्रणा हर वगत महसूस करना है गौरी भजन का मतलब है शुरू से लेकर अंत तक हर वगत रोना ही रोना इसका नाम है गौरी भजन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिए जगतवासी को शिक्षा के लिए और अपना एक एक पार्षद जैसे श्रील नरोत्तम ठाकुर आदि श्रीनिवास रामचंद्र रामचंद्रिया कविराज श्यामानंद प्रभु सारे ये सब अपना पार्षदों को धीरे धीरे इस जगत में भेज दिए हैं श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने जगत में आए हरिभजन सिखाने के लिए सिवन महाप्रभु जगत में पर अखिलेश्वर भगवान आए जगत को दिखाने के लिए हरी भजन कैसा होते हैं सिलन और तुम ठाकुर जी को भेज दिए इस जगत में प्रमाण करने के लिए भजन क्या है आचरण करके दिखाने के लिए आचरण का आचरण का बारे में दो शब्दों कह दे तो अच्छा है आम आदमी को आचरण का बारे में कोई पता नहीं कोई अगर प्रश्न करे महाराज व्हाट डू मीन बाय आचरण आचरण क्या है आचरण का मतलब क्या है एक शब्दों में बता दो आचरण का मतलब है हरी भजन। बस हो गया आचरण मतलब है परफेक्ट निष्कपट भजन बस यही हुआ और एनालिटिकली सुन, सुनना चाहे और विस्तृत रूप में सुनना चाहे मतलब है हरि भजन अंतकरण में जो हर वगत भजन चलते रहते हैं इसके लिए भक्ति का ऐसा एक प्रभाव है भक्ति देवी का ऐसा प्रभाव है अंतकरण में भक्ति चलते रहते हैं और भक्ति का जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन भक्ति का जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन हमारा इंद्रियां हमारा क्रियाकर्म मन बुद्धि इसके द्वारा थोड़ा प्रकाशित होते हैं ये सब जो प्रकाशित होते हैं बाहरी इसका नाम है आचरण ये आचरण का इतना प्रभाव है जे हजारों लेक्चर अगर कोई दे हजारों हजारों लेक्चर दे दिया और एक बूथ आचरण करके दिखाया एक तरफ एक तरफ हजारों हजारों लेक्चर है ड्राई फिलोसॉफी वन साइड और दूसरे तरफ है एक पक्का कठोर शुद्ध वैष्णवों का एक शुद्ध आचरण एक बूथ शुद्ध आचरण का महिमा इतना है एक बूंद शुद्ध वाचरण आचरण का प्रभाव इतना है तो मैं कह नहीं सकूं इतना प्रभाव है आचरणशाली वैष्णव का इतना प्रभाव है जहां कपट समाज है आचरणशाली वैष्णव को सहन नहीं कर सके वह अगर सामने आ जाए तो भयभीत हो जाता है ये अगर प्रवचन के लिए बैठे बाजू में बैठे कोई अगर कपट आदमी भयभीत हो जाता क्या बोल दे उल्टा सीधा आचरण का बब ऐसा है कि अगर ये आचरणशील महापुरुष कुछ प्रवचन ना दे कुछ प्रवचन अगर ना दे इसका इट्सैल्फ इसका उपस्थिति ये जो महात्मा संत महात्मा है आचरणशील इसका जो उपस्थिति है ये सबको को डरा देते हैं भयभीत कर देते हैं आचरणशील साधु का एक इतना आचरण का प्रभाव है ये जस्ट लाइक ए मैजिक स्पेल कोई दुर्बल आदमी का हृदय में बल्लाव जी महाराज का जो ये जो हमारा शास्त्रों में आता है नायम आत्मा प्रवचने नु लभ्य ये आता है ना ये सुने होंगे आप नायाम आत्मा प्रवचन निर्भव न मेधया न बहु न सु इत्यादि सुने हैं लेकिन ये भी सुने होंगे जब बलहीन व्यक्ति बलहीन व्यक्ति के लिए भजन नहीं है नायम आत्मा बलहीने न लभ्य ये सुने होंगे ना नहीं सुने होंगे न अयम आत्मा बलहीने न लभ्य जो व्यक्ति बलहीन है पावरलेस है इनके लिए भजन नहीं है क्या कहते हो महाराज ये बल हमारा शरीर में तो बल है क्या कहते हो आप बकवास हमारा तो बल है हम ये बल नहीं कहते हैं जे ये हमारा शरीर का जो ताकत है इसका बारे में हम नहीं कहते क्योंकि पहले ही दो तीन प्रवचन में कह दिए हैं एक तरफ आपका मानी पावर मैन पावर एजुकेशनल पावर तमाम इकट्ठा कर दो एक बाजू तमाम अपना जितना पैसा है संपत्ति है करोड़ों करोड़ों रुपया एक तरफ आपका मैन पावर जितना भी है इन्फ्लुएंस है सब एक तरफ इकट्ठा कर दो और जितना भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एबिलिटी है एफिशिएंसी है दैट यू कैन पुट वन साइड एक तरफ रख दो लेकिन फिर भी ये अपराकित जगत का जो मसला है अपराकित जगत का जो अनुभव है इस रास्ते में आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते यू कैनॉट ट्रूफ दे सक्सेसफुल इसीलिए उपनिषद में बताया गया तमाम अपना प्रयास प्रचेष्टा होने का बावजूद यू कैन गेट ए फीडबैक एक लात खाओगे अ पीछे आ जाओगे एक ऐसा है वहां यह तो वाच निवर्तन त्य अप्राप्य मनुष्य हो आपका मन मेटेरियल माइंड जितना भी अब ताक, ताकतदार आदमी हूं आपका माइंड भी वो स्ट्रॉन्ग है आपका तमाम एफिशिएंसी है फिर भी अब खा खाके पीछे आ जाओगे आगे नहीं बढ़ पाओगे संभव नहीं इसीलिए उपनिषद में बताया गया उपनिषद में बताया गया या तो वाच निवर्तन त्य अप्राप्य मनुष्य साहो मन के साथ आपका वचन का साथ तमाम प्रयास प्रचेष्टा करने का बावजूद यू कैन कम आउट फेलियर। इसका नाम है भजन ये कोई मजाक नहीं है हम मजाक करने नहीं बैठे नरोत्तम ठाकुर का आचरण ऐसा प्रभाव है धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे नरोत्तम ठाकुर का आचरण का ऐसा प्रभाव है जो मणिपुर में जब नरोत्तम ठाकुर गए हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे जब मणिपुर में पहुँचे एक्स्ट्रीम ईस्टर्न जोन त्रिपुरा मणिपुर आदि मणिपुर में आदमी बंगला नहीं समझते हैं मणिपुर का आदमी बंगला नहीं समझते हैं और नॉर्थ ठाकुर एक मंदिर में बैठकर विष्णु मंदिर में बैठकर करताल ठोककर कीर्तन शुरू कर, कर दिए गौरांग बोलित हवे पुलक शरीर हरिहरी बोली थे नयन बभ आर कवे नितय चादे करु न हईवे संसार वसुना मोर कवे तुच्छ हवे विषय छारिया कवि शुद्ध हवे मौन कवि हम हेरबो श्री वृंदावन ये सब चर्चा आएगा अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि नरतम ठाकुर जी ने मणिपुर में बैठकर कर कीर्तन कर रहे हैं मंदिर में हजारों आदमी चारों ओर घेर के बैठे खड़े हैं बैठे हैं और नर्तम ठाकुर जो कीर्तन कर रहे हैं इसका साथ साथ ये हजारों आदमी रोना शुरू कर दिया वट इज द मीनिंग कैन यू से वाट कैन बी द रीजन क्यों ये लोग रो रहे हैं ये रोने का कारण क्या, क्या है जबकि भाषा समझ में नहीं आए नर्तम ठाकुर क्या कह रहे हैं किसी को पता नहीं तो रोने का क्या मतलब है महाराज मेटेरियल इंटेलेक्ट मेटेरियल इंटेलेक्ट जो है भजन में प्रवेश करने का पहले लात लगा के आपका जो मेटेरियल इंटेलेक्ट है उसको धक्का मार के फेंक दो लात लगाओ ये चलेगी नहीं बुद्धि जड़ बुद्धि अपराकृत जगत का विषय में कामयाबी नहीं हासिल कर सके इंपॉसिबल है मेरा कहने का मतलब है शिलावक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी जगह भोपाल जगत गुरु जी ने एक दफे साउथ इंडिया में साउथ इंडिया में गोदावरी में तट में कबूर एक दफे महाप्रभु जी ने बांग्ला में हरिकथा करना शुरू कर दिया हज ब्रह्मचारी हमारा परम पूज्यो अभिन्न गुरुपात्म भक्ति तो माधव के महाराज आदि गुरुवर्ग थे प्रपात बंगला में घंटों भर हरि कथा बोले कम से कम तो दो घंटा बोलने का बाद हाय ब्रह्मचारी माधव को सिंह हाथ जोड़ करके विनती किए प्रोपात ये लोग बंगला नहीं समझते हैं ये लोग बंगला नहीं समझते आप बंगला में पोपा जी ने बड़ा गंभीर होके बताए पोपा जी ने बड़ा गंभीर होके बताए ना तो मैं बंगला बोला ना तो मैं अंग्रेज़ी बोला न तो मैं तमिल तेलुगू बोला ना तो मैं हिंदी बोला ना तो मैं संस्कृत बोला मैंने हरी कथा बोला सब हैरान रह गए क्या बात है पोपाद वॉन्ट इट टू प्रूफ हरी कथा इज अ लैंग्वेज ऑफ योर हार्ट जो नरोत्तम तो ठाकुर का महिमा बताने बताने के लिए इतनी सी समय काफी नहीं है इतनी सी समय काफी नहीं है हाउ आई कैन डिस्क्राइब नॉर्थ नौतम ठाकुर का महिमा हम चर्चा करेंगे उसका पहले प्रपात का यह बात आप सुन लीजिए पौपात कह रहे हैं हरि कथा इज अ लैंग्वेज ऑफ योर हार्ट अपना जो हृदय है आपने तो पंजाबी सीखा आपने उर्दू सीखा होगा आई एम नॉट स्पीक स्पीकिंग अबाउट दैट मेटेरियल लैंग्वेजेस वह बात कहते हैं मेरे गुरुजी भी जब हम मठ में जब हम मठ में फॉरेनर लोगों को कथा बोलने के लिए गुरु आदेश जी आदेश दिए तो गुरुजी बंगाली लोगों को कहते थे आप उधर बैठो बोले अब तो अंग्रेजी हो रहा है हम तो समझेगा नहीं कथा हो रहा है बैठो हरिकथा हो रहा है बैठो हरि कथा का, का क्या प्रभाव है यू हैव नो आइडिया यू हैव नो आइडिया हरिकथा क्या है हरिकथा का, का प्रभाव कहां तक जा सकता है यू कैन नॉट रियलाइज इवन कुत्ता बिल्ली इवन कुत्ता बिल्ली इवन पेड़ पौधा सब इसका प्रभाव से प्रभावित हो सकता है हरिदास ठाकुर जी का साथ महाप्रभु का जो चर्चा हुआ था नाम महिमा का कभी अगर ठाकुर जी कृपा करे इसका चर्चा हो पाएगा अभी मैं शर्मिंदा हूं इतना वास्ट चैप्टर इन्फिनिटी विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इतनी सी थोड़ी सी समय में कैसे बताया जाए जो भी है ठाकुर जी कृपा करे तो थोड़ा बहुत हो पाएगा भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का बारे में हमारा चैतन्य चरतामित्व में आदि पुराण आदि है कि इसमें लिखा हुआ है अहमे क्वचित ब्राह्मण संयास आश्रम आश्रिता हरिभक्ति ग्रहयामी कलो पाप हतानो नरानो ये प्रमाण चैतन्य चरतामित्व में है कहने का मतलब है जब चैतन्य महाप्रभु आने वाला है उसका बहुत पहले पुराणों में महाप्रभु का बारे में सब वर्ण सुवर्ण वर्णम हेमांगम ये जो सब महाभारत का श्लोक चंदना चंदनांग सब कुछ ये सब शास्त्रों में पहले सी है पहले इंडिकेशन है दैट महाप्रभु कमिंग महाप्रभु आने का पहले शास्त्रों में तमाम प्रचार हो गया कई पूरा उपनिषद में वेदों में मैं अथुर्व वेद का संकलन किया था प्रोपा जी का कृपा से प्रेरणा से ताकि लोग समझ सके आवार गौरी भजन कितना अथेंटिक है आवार गौरी भजन कितना गंभीर है कोई पागलपंथी नहीं है कोई पागलपंती नहीं है हमारा गौरी भजन कितना गंभीर चीज है इसमें सब डॉक्यूमेंट्स है भागवत में पुराण में महाभारत में कहा नहीं वेयर नॉट एवरीवेयर यू कैन सी द डॉक्यूमेंट सिमन महाप्रभु का अवतार का बारे में ये कोई मजाक नहीं है महाप्रभु जी ने अवतार इसी कलिकाल में किए इसका बारे में चर्चा का समय नहीं है महाप्रभु ये विशेष कलिकाल में अवतीर्ण हुए हैं और इसका इंडिकेशन शास्त्रों में तमाम शास्त्रों में मिलते हैं और महाप्रभा खुद का कहना है भगवान अहमेव कचित ब्राह्मण संयासास्त्र हरिभक्ति ग्रहायामी कलऊ पाप हतानो नरानो ये पापिष्ठो कलिहा तो जीवों के लिए कोई रास्ता नहीं है कोई रास्ता नहीं है बचाने के लिए सब महाप्रभु जी आए हैं हरि भक्ति ग्रहण कराने के लिए कैसे हरिनाम किया जाए सब दिखाने के लिए साधो साधन तत्व तो जे कीजिए सकल हरिनाम संकीर्तन न सकल साधो साधन तत्व तो जो कुछ भी है परिणाम संकीर्तन के द्वारा सारे मिलने वाला है बट आई एम फेड अप आई कैनॉट रियलाइज वट इज हरी भजन कलिकल केवल नाम आधारा सुमर सुमर जीब उतर ही पारा कलिकल केवल नाम आधारा स्मर सुमर सुमर जिब उतोर ही पारा फिर भी मेरा अक्कल नहीं आए क्या करे चैतन्य चौधा में लिखा हुआ है बंगाली में थोड़ा ध्यान से सुनना चौबीस बच्चों शेषे जे में माघ मास तहार पूर्णिमा ते प्रभु सन्यास लिखा हुआ है चैतन्य चौधामित्व में महाप्रभु जी का जो चौबीस साल का उम्र जब समाप्त हो गए जब चौबीस साल का उम्र समाप्त हो गए इसी समय महाप्रभु जी ने घर से निकाल पड़े तमाम दुनिया को बचाने के लिए तमाम दुनिया को बचाने के महाप्रभु निकल पड़े भक्तों लोगों का साथ अपना निजी जन हमारा नित्यानंद प्रभु आदि चंद्रशेखर आचार्यों श्रीनिवास आचार्यों मुकुंदो सबका साथ तैयार कर ली भगवान तैर कर ली जो हमको सन्यास लेना है नहीं तो जगतवासी को बचाना मुश्किल है सबने रो पड़े टूट पड़े प्रभु आप मत सन्यास लो लेकिन प्रभु बोले हमको सन्यास लेना ही है आप लोगों को इजाजत तही है सची माता को समझाए हमारा दयामयी विष्णुप्रिया देवी को समझाई समझाए भगवान और रात को निकल पड़े रात को निकल पड़े रात दो तीन बजे जब कोई जागा नहीं पर निकल पड़े और गंगा का किनारे आए जिसका नाम है निर्दया निर्दया आप जाते आप जाते हो ना परिक्रमा में रुद्रद्वीप रुद्रद्वीप निर्दया नाम सुने होंगे रुद्रद्वीप इसका नाम पर गया निर्दया निदयामंद नाई दया जार निर्दया मतलब भगवान का दया नहीं ऐसा भगलो भक्त लोगों का एक रोने का एक बहाना है रोते रोते कह रहे हैं भगवान का दया नहीं है लेकिन भगवान दया का खजाना है इच्छा करके भक्त लोग रोते रोते ऐसा ऐसा प्रतिवाद कर रहे ठाकुर जी आपका दया नहीं है आप छोड़ के चले गए इसीलिए इसका नाम पड़ गया निर्दया भगवान सारे संसार का बंधन काट कर फेंक कर निर्दया निर्दया का नाम है हार्टलेस लेकिन भगवान हार्टलेस नहीं है ऐसा तो पड़ गया भक्तों का ऐसा ही है जैसे माधव बिंदु बुरीपात और आदर भक्त सारे शुद्ध भक्तों ऐसा करते राधा रानी कहते हैं राधा रानी भी ऐसे कहती है तुम्हारा दया नहीं है।, है तुम्हारा अकल नहीं है तुम भागो यहाँ से ये कहते रहते भक्तों का ये प्रेम की उद्गार जो भी है अभी महाप्रभु निदया देखे गंगा का पार की और सीधा पहुँच गए काटुआ काटुआ गंगा का किनारे में एक जगह है महाप्रभु का लीला सली जहाँ महाप्रभु ने संन्यास ली हमने उतना टाइम इस चर्चा में नहीं देंगे क्योंकि समय कम महाप्रभु जी ने सन्यास लेने के लिए तैयार की और केशव बारूदी से केशव बारूदी जब महाप्रभु सन्यास ले लें अभी यह प्रश्न आता है व्हाट डू मीन बाय सन्यास महाप्रभु का जिंदगी में क्या सन्यास का कमी है क्या क्या नित्यानंद नित्यानंद प्रभु का जिंदगी में क्या सन्यास का कमी है क्या पुरी पाद जी का जिंदगी में क्या सन्यास का कमी है क्या कि सन्यास लेने की दौर है सन्यास का माने क्या है महाराज माने क्या है क्या कमी है नित्यानंद बाबू का अंदर में नित्यानंद बाबू का जिंदगी तो सन्यासी है नित्यानंद बाबू का जिंदगी तो टोटल सन्यासी है टोटल तो चाहे भगवान का इशारा से शादी करे ना करे फर्क नहीं पड़ता ये तो लीला है भगवान का नित्य शक्ति है जानो वसुधा वसुधा कभी हम इसका बारे में लंबा चर्चा करने का इच्छा रखते हुए आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएं क्योंकि समय नहीं है महाप्रभु जी महाप्रभु का जिंदगी में संन्यास का कोई अभाव नहीं है क्यों ऐसा बात कर रहे हो हमने नहीं कर रहे महाप्रभु जी ने खोद स्वीकार किया महाप्रभु जी ने खोद इसका शिकार किया महापू जी ने बोले महापू जी ने बोले जे सन्यास के द्वारा मैं क्या मेरा क्या जरूरी है सन्यास लेना संन्यासे मोर की प्रयोजन प्रेम अपन धन ये तो प्रेम मेरा अपना संपत्ति है अब सन्यास करने का क्या दरकार है महापू जी ने खुद बताए ये संपत्ति महाप्रभु का है ये संपत्ति नित्यानंद प्रभु का हाथी हथेली में धर दिया हृदय में माँ नित्यानंद प्रभु कैन डिस्ट्रीब्यूट एनी वेयर एंड एवरीवेयर कोई रोक टोक नहीं है मापू जी ने बता दिया जहाँ इच्छा उसको डिस्ट्रीब्यूट करो ये अनमोल संपत्ति ये अनमोल संपत्ति है तुम्हारा जहाँ इच्छा मर्जी दे दो चाहे जगाई मदाई को दे दो पियाक्का है बदमाश है दे दो तुम्हारा संपत्ति है अपना संपत्ति बिली करो अभी महाप्रभु जी ने केशव भारती से केशव भारती जी केशव भारती जी से सन्यास लेने का बहाना बनाया अब सन्यास सचमुच सन्यास सचमुच इसका गहरा विचार करे तो महाराज हमारा कहना है कि जो सन्यास लिया है महाप्रभु ये केशव भारूसी से लिया है कि किसब भारूसी को सन्यास दिया है ये मेरा सवाल है गहरा विचार है कि सन्यास लेने का बहाना में महाप्रभु अपना सन्यास मंत्र और अपना नाम केशव भारूती का कानों में दे दिया केशव भारती का कानों में दे दिया उसका बाद वही मंत्रों को गोहन किया मतलब मतलब क्या है ये केशव भारती जी को उद्धार किया ये केशव भारती जी ने खुद शिकार भी किए हैं और ये जो नित्यानंद प्रभु और मुकुंदो ये सारे जो भक्त लोग हैं चंद्रशेखर राजा जो सारे महाप्रभु का संग थे सन्यास लीला का समय पे और महाराज जो नैया है, जो बाल को कमाने वाले नैया है, आई I मीन mean, जो बाल को सा कमाते हैं ये तो रोते रोते पागल हो गया दो तीन घंटा बीत गया महाप्रभु का ये जो बाल है उसको साफा करने के लिए रोते रोते परेशान हो गया इसका नाम है मधु मधु नापित महाप्रभु को स्पर्श करना तो दूर की बात है महाप्रभु को सेब महाप्रभु का मस्तक मुंडन करना तो दूर की बात है देखते ही पागल हो गया उछल पड़े चरण में और जब भी अपना खूर को लेकर मस्तक को मुंडन करने जाए तो खूर हाथ से गिर पड़े वो जमीन में गिर पड़े प्रेम के मारे ऐसे चला गया दो तीन घंटा उसका उसका बाद किसी भी हालत से महाप्रभु का मस्तक मुंडन होने के बाद गंगा में नहा और ये जगह अभी भी मौजूद है कटवा में जहां महाप्रभु ये वृक्ष का नीचे संन्यास लिए कैसा बारूती से या तो सच पूछो तो कैसव बारुती को संन्यास दिए महाप्रभु कौन से संन्यास लिए एक दंड संन्यास एक दंड क्यों लिया माराज? महाराज बोले महाराज महाप्रभु अगर एक दंड ले ले उसमें कोई हर्जा नहीं है क्योंकि एक दंड का विचार है अहम उसमें तो महाप्रभु तो स्वयं पर ब्रह्म है महाप्रभु तो स्वयं पर ब्रह्म है ही है तो इसमें क्या हर्जा है महाप्रभु अगर एक दंड ले एक दंड का मतलब है अहम ब्रह्मोष्मी वेल well, इज वेरी गुड महाप्रभु के लिए कोई हर्जा नहीं है लेकिन माधवंदपुरी पुरीपाद और दो चार भक्तों का हमारा गुरुवर्ग देखे इसका एक दंड का विचार है जैसे प्रकाश प्रबोधान सरस्वती बात ये लोगों का जो एक दंड है उस जमाने में उस जमाने में एक 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 प्रचलन थे सन्नास कोई भी ले एक दंडो लेते उस समय में एक बहाना था लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग ये लोगों ने एक दंड ही लिया है हमारा गुरुवर्गो ने व्याख्या किया ये एक दंडो बाहरी दृष्टि में लिया है बट दे आर गोइंग टू कंसीव तीन दंड इसका अंदर में है आई बात समझ में हमारा गुरुवर्गो ने व्याख्या करके दिखाया बेटा तुम बाहरी दृष्टि में देख रहे हो माधव बंदिपुर का एक दंड लेकिन एक दंड नहीं है एक दंड का अंदर में ये लोग तीन दंडों का उपस्थिति अनुभव करते हैं और वास्तविक जो अनुभव है वो सच्चा भी है आई बात समझ मेरे बात समझ में नहीं आई मेरा बात अभी भी समझ में नहीं आए मेरा कहने का मतलब है जो शुद्ध गुरु वैष्णव का जो कंसंट्रेशन है एक शब्दों के द्वारा ये इस चीज को वास्तव रूप में आप अगर समझ पाए तो अच्छा है जैसे माधवबंधु पूरी बात कह रहे हैं हा वृंदावन हा मथुरा नाथ रो रहे ये हा वृंदावन हा मथुरा नाथ ये विप्रलंब भाव के द्वारा कहने का साथ साथ बीट श्योर दैट वृंदावन उपस्थित है सूक्ष्म रूप में वृंदावन और मथुरा नाथ स्वयं उपस्थित है आई बात समझ में तो कोई अगर शुद्ध भक्तो तीन एक दंडों का अंदर में तीन दंडों का उपस्थिति का प्रार्थना करें अनुभव करें तो सच वाक्य ही वाक्य ही इसका अंदर तीन दंड है ये तीन दंड का क्या मतलब है काय मन वाक्यो तीनों के द्वारा भगवान का चरण में प्रपत्ति शिकार करना आई मीन टू सबमिट योर सेल्फ एंड टू द लोटस वीड ऑफ भगवान हर हालत में সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া হো মরে অর দুসরা কীর্তন সারে আত্মনিবেদন তো পদে করি হইনু পরম সুখী দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল চৌদিকে আনন্দ হেরি ये चौदिक चौदिक मैंने ऑल एवरीवेयर अगर सन्यास लेने का बाद मेरा बात क्षमा करना अपराध नहीं लेना अगर सन्यास लेने का बाद अगर आपका हालचाल में कुछ गड़बड़ी हुई अगर सन्यास लेने का बाद कोई उल्टा हो गया तो क्षमा मिलना बहुत मुश्किल है बिफोर टेकिंग सन्यास यू विल हैव टू थिंक ट्वाइस नॉट ट्वाइस थाउजेंड्स ऑफ टाइम यू हैव टू थिंक सन्यास लेने का पहले हजारों हजारों बार सोचो कि मैं सन्यास लेने का काबिल हुआ कि नहीं इसके बाद सन्यास लो महापू का विचार है महापू ने सन्यास लेने का बाद उन्मत्त हो के वृंदावन का ओर चल परे म होके सन्नास का सिक्रेसी क्या है गीता का जो चर्चा है ये कोई सुन नहीं सुन रहा है कि नहीं हमको पता नहीं आप लोगों का ही आदेश के द्वारा प्रेरित होकर मैं गीता का डेढ़ दो साल से प्रवचन चल रहा है ठाकुर जी का पास आप लोगों का चरण का पास है। अब कौन सुन रहे कौन नहीं सुन रहे कौन जाने कितना सारे उद्धव जी का प्रति भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश कार्तिक महीना में चला हजारों हरि कथा कौन सुन रहा है कौन जाने हमको पता नहीं आई एम गोइंग टू गिव माई ब्लाड टू यू ऑल मेरा ये आप लोगों का आदेश पालन करना आप लोग वैष्णव हो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूं कि मैं गिरा हुआ इंसान हूं नालायक हूँ आप लोगों का कृपा से थोड़ा सेवा मिला इतना ही काफी है मेरा महाप्रभु जी ने संन्यास लेने का बाद उन्मत्त तो हो गया होने का बाद महाप्रभु वृंदावन का ओर चल पड़े इसी को बोलता है संन्यास महाप्रभु जी आचरण करके दिखाया एतम तम अस्थायो परात्मनिष्ठा पूर्व परात्मनिष्ठा परात्म मध्यासितम हैं पूर्व तमीर महदीर अहम तरिसमी दुरंत बारम तमहा मुकुन्दांग्रिन शे वै महाप्रभु जी ने श्लोक बताया ये किसका है ये भागवत जी महापुराण का ये भागवत जी महापुराण का श्लोक है जहां भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को एक तिरंडी सन्यास का बारे में बता रहे हैं तिरंडी सन्यास भागवत में अप्रूव है तिरंडी संन्यास काय मन बक्के के द्वारा भगवान चरण में प्रपत्ति स्वीकार करके आप अपना जीवन जिंदगी को भगवान का सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना दैट इज कॉल द एक्चुअल मीनिंग ऑफ संन्यास संन्यास का मतलब ये नहीं कि भबरा कपड़ा पहना लाल कपड़ा दंड लिया दंडधारी सब कोई को दंड दे रहा है है तुम ये कर रहे वो कर रहे हो बामन जी महाराज जी मेरा गुरु जी कहते थे ये तमाम शास्त्रों का जो विचार है सब मेरे लिए सब मेरे लिए है सब मेरे को आचरण करके दिखाना है आप लोगों को क्या कसूर है आप लोगों का कोई कसूर नहीं है मेरा कसूर है मेरा आचरण नहीं क्या करूँ तमाम शास्त्रों का जो जो विचार है सब मेरे लिए ऑल एप्लीकेबल फॉर मी आजकल का संन्यास जो सिर्फ क्या है ऑल एप्लीकेबल फॉर यू नॉट फॉर मी आई एम एंजॉइंग लिबर्टी टू एनी थिंग आई लाइक हमारा लिए नहीं है सब आप लोगों का लिए कोई किसी को सीखना है तो बामंगुसी महाराज जिस चरण से जाए और सीखे सीखे वहां जाके क्या जो भी है क्या महिमा है सीखे महाप्रभु जी का कहना है महाप्रभु जी ये जो भागवत जी महापुराण का जो श्लोक है एतम आस्थाओ आस्थायो आस्थाओ परात्मनिष्ठा मध्शितम पूर्वतम महदवीर अहम तरश्यामी दुरंत पारम तमह মুকুন্দাঙ্গ বইব মহাপ বলতে পাগল কা মা পিক চাল পারে প্রভু কহে প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন মুকুন্দন্দ সেবন বত কৈল নির্ধারন পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেশগহন মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার কেতনা ইজি কেতনা সুন্দর প্রবচন হ মহাপ্রভু কা মহাপ্রভু কে রে अपना अपना लिए कह रहे हैं इसीलिए हैं अपनी आचारी धर्म जबारे सिखाए अपनी ने आचार्य धर्म सिखानो न जाए आचरण का इतना प्रभाव है महाप्रभु कहने कह रहे हैं प्रभु कहे है साधु ए भिक्षुक वचन मुकुंद सेवन व्रतो कोई लो निर्धारण परात्म निष्ठा मात्रो बेस ग्रहण और मुकुंद सेवाया जी ने दिखाए पागल का मापिक चल परे पागल का मापिक हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर कहा जा रहे है वृंदावन जा रहे अब ले लिया व्रत ले लिया प्रभु का सेवा का अब वृंदावन में जाके एकांत में हम प्रभु का निशवन करें प्रभु का सेवा करें टिडंडी का मकसद क्या है तिडंडी का क्या मकसद है ये समझनी चाहिए मापू जी ने दौड़ते दौड़ते चल रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, राम 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 हरे मैदान में खेल रहा है बगीचे में खेल रहा है बच्चा लोग ये भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु मापो बोले अरे तुमने तो बड़ा मंगल कर दिया मेरा तुम लोग भी हरिनाम सुनाया मेरे को आह हा कितना मंगल किया मेरा हरिनाम सुना दिया मेरा आह बोल के बच्चा लोगों को पूछा बच अब नित्यानंद प्रभु बच्चा लोगों को सिखा दिया प्रभु प्रभु अपना याददास प्रभु अपना याददास खो बैठे प्रभु अपना याददास खो बैठे जो पीछे नित्यानंद प्रभु है चंद्रशेखर आचार्य जो है मौसा मौसा जी सब पीछे है मुकुंद है भूल गया हरे कृष्ण हरे कृष्ण चल रहा है नित्यानंद प्रभु ने बच्चा लोगों को सिखा दिया वो बच्चों अगर हमारा प्रभु अगर पूछे है वृंदावन किस रस्से में किस रस्ते से चले किस रस्से से चले? तुम इस रास्ता दिखा देना ठीक है ना बेटा हाँ ठीक है महाप्रभु जी ने जब हरे कृष्ण बोला बच्चा चल हरे कृष्ण हाँ हा कितना मंगल कर दिया मेरे को हरिनाम सुनाए आपने अच्छा बेटा बच्चा ये कहो कि वृंदावन किस रास्ते से जाए बच्चा लोग बोल दिया इस रास्ते में जाओ इस रास्ते में उल्टा रास्ता दिखा दिया ये नित्यानंद प्रभु नचा रहा है महाप्रभु को महाप्रभु माँ प्रभु अपना याददाश्त खो होस, होस बैठा होश होश गवा बैठा और चलते हरे कृष्ण बोलते बोलते चल रहा है और नित्यानंद प्रभु जी ने भेज दिया मुकुंद गई जल्दी जाओ तीन दिन से प्रभु भूखा है कोई भूखा प्यास कुछ नहीं है प्रभु कुछ किया ही नहीं जल्दी जाओ शांतिपुर में आचार्य रत्नों आचार्य जी का चरण में जाके निवेदन प्रभु आ रहा है गंगा का किनारे अपना कपड़ा एक क्योंकि प्रभु का और कोई कपड़ा नहीं है ये डोंडो और कमंडुल है कपड़ा नहीं है जल्दी जाओ नया कपड़ा लेकर रेडी हो जाए और हम आ रहे हैं प्रभु को लेकर वो दौड़ के चले दौड़ के चलना शुरू कर दिया शांतिपुर में जाके और दो खबर दो दिया प्रभु आ रहे हैं प्रभु आ रहे हैं यहाँ अब जल्दी आओ गंगा के किनारे गंगा के किनारे आ गया आके खड़ा हुआ है प्रभु आ रहे और नित्यानंद प्रभु क्या किया प्रभु का सामने आया प्रभु कहे श्रीपाद तुम कैसे आया बोले हम आपका साथ वृंदावन जाएंगे अच्छा आप जाओगे अच्छा वृंदावन कितना दूरी है बोले ये देखो ये जमुना आ गया आ? ये जमुना है बोल के गंगा को दिखाए माँ प्रभु जी ने जमुना का सूत की और गंगा में नहा के नहाने का बाद उठे तो देखे और देखे खड़ा है आप तो आचार्य गोसाई हो आप कैसे इधर आ गया आपको कैसे पता कि मैं वृंदावन में हूं आचार्य गोसाई भाग्य है आप गंगा जी का किनारे आए हाँ, गंगा जी का किनारे मेरे को झूठा बोला नित्यानंदो है नित्यानंदो झूठा बोला और ने झूठा नहीं बोला श्रीपाद कभी झूठा नहीं बोला गंगा का पश्चिम किनारे से आ, जमुना बहती है पूर्व किनारे से पश्चिम किनारे से गंगा पूर्व किनारे ना उल्टा है पश्चिम किनारे से जमुना और पूर्व किनारे से गंगा बहती है तो आप इधर नहा हैं अभी तो जमुना में ही नहा आप तीन दिन से कुछ नहीं पिया खाया कुछ नहीं है चलो मेरा घर जोर जबरस्ती प्रभु को हाथ पकड़ के लेके गिए वो आनंद से उछल पड़े सेवा करना शुरू कर दिया आनंद से प्रभु का सेवा करना शुरू कर दिया और यहाँ नित्यानंद प्रभु दौड़ के गए सोची माता जी को लाने के लिए एक पालकी प्लैंक्विन पालकी करके सोची माता को लाए लाके उधर भंडारा हुआ तमाम हजारों आदमी आना शुरू कर दिए प्रभु को देखने के लिए अब मेरा कहने का मतलब है चैतन्य महाप्रभ का संन्यास लेने का बारे में अगर चर्चा करने जाए तो बहुत गहरा विचार होनी चाहिए अब ये क्षमा करे समय नहीं है मेरे को महान वैष्णवशील नर्तम ठाकुर के बारे में कहना है थोड़ा महापभ जी ने जब पहली बार संन्यास लेने के बाद कटवा से वृंदावन का उर्चल परे समहाउ ही वॉज कंट्रोल्ड बाय नित्यानंद अब दूसरी बात हम हम शॉट कर रहे हैं काट शॉट महाप्रभु जब पुरुषोत्तम गए एक धाम गए एक दफे महाप्रभु तैर कर ली कि हमने वृंदावन दर्शन करेंगे वृंदावन का बहाने महाप्रभु बंगला आए बंगला से होकर नॉर्थ बंगाल रामकेली गांव पहुंच गए अब भक्तों लोग कह रहे हैं कि रामकेली क्या काम है प्रभु का अरे महाराज राम के लिए क्यों पहुंचे प्रभु क्या काम है किसी को पता नहीं महापो राम लिए गांव क्यों गए क्योंकि अपना जो रूप सनातन है शकर मल्लिक और द्रविड़ खास साक्कर मल्लिक दोनों के साथ मिलने के लिए गए रात का टाइम पे मैं काटता हूँ डिटेल डिस्कशन में जाने वाला नहीं हूं क्योंकि समय नहीं होगा महाप्रभु जाके रामकली गांव में ठहरे हुए हैं और रूप सनातन और जीव गोसाई बच्चा थे गोदी में लेकर आए किसी किसी जगह लिखा हुआ है जीव गोसाई था उस समय बच्चा थे और अनुपम भी शायद आए होंगे तो रूप और सनातन के बारे में ज्यादा करके लिखा हुआ है चैतन्य चौथामित में तो शरण लेके पागल हो गया आनंद से दोनों को कृपा किए बस हो गया इसके बाद महापू चलना शुरू कर दिया वृंदावन का ओर ध्यान दे मैं डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्षमा क्षमा करे सनातन जी ने इतने में रात का टाइम में जो दर्शन करने के लिए आए अपना कापर को गले में लगाए अपना दशन में दांत में तिनका पकड़कर त्रिनाद त्रिनादपिभाप रोना शुरू कर दिया छोड़ो ये सब बात सनातन गोसाई जी ने एक बात कही महाप्रभु को प्रभु आप वृंदावन जा रहे हो हाँ वृंदावन जा रहा हूँ मैं तो आपका साथ हजारों हजार आदमी दौड़ रहा है पीछे प्रभु आपका पीछे हजारों हजारों आदमी जा रहे है वृंदावन क्या आपको मजा मिलेगा क्या मजा मिलेगा है? जार संगे लोक लखों कोटी वृंदावन जाइवार नहीं ए पोरी पार्टी वृंदावन जाने से ये हजारों आदमी पीछा करेगा वृंदावन होल हल्ला गुल्ला विप्रणम्ब भाव का जगह है अब महाप्रभु चल पड़े वृंदावन के लिए और निशिंगानंद ब्रह्मचारी पूरा रास्ता को डेकोरेट कर रहा है निर्बिंत तो पुष्पो जैसे महाप्रभु पदक्षेप करके जाए एक भी कंकर पत्थर ना लगे और जलाशय है पुष्पोद्यान है बगीचे है करते करते अब कानाए नाटशाला तक जाके अब मन नहीं चल रहा है निशिंगानंद बोल रहा है मेरा मन आगे नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है महाप्रभु कान नाटशाला से वापस आएंगे अच्छा हाँ देख लेना महाप्रभु प्रभु कान नाटशाला गया कानन नाटशाला एक विशेष जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण का तरह तरह का ये सब लीलाएं लीलाएं हैं तस् इनो ऑयल पेंटिंग बहुत सुंदर सुंदर और क्या है वाल में सब है दीवार में सारे महाप्रभु दर्शन की और उधार से महाप्रभु विचार करना शुरू कर दिया सुनातन ने क्या सिखाया मेरे को आह सनातन ने सही सिखाया जार संगे लोग लखों कोटी टी वृंदावन जाए वाले परिपाटी आई कैन नॉट एंजॉय वृंदावन जाके के क्या मात है पीछे ये सब लोग दो रहे अभी हम वृंदावन नहीं जाए जाएंगे कहाँ जाएंगे प्रभु प्रभु वहां से चल पड़े पद्दा नदी का किनारे इसको बोला है गौरे हाट हाट जानते हो ना हाट लगता है गौरे हाट वहां से कुतबपुर बोल के एक जगह जिसका वर्तमान नाम है प्रेम तली प्रेमस्थली नित्यानंद प्रभु का साथ महाप्रभु जी ने चर्चा की पद्दा का किनारे जाके नहा लिया और नित्यानंद प्रभु का साथ चर्चा की हे नित्यानंद याद है जब सन्यास लेने के बाद मेरा साथ तुम वृंदा पुरुषोत्तम धाम नीलाचल धाम को चल पड़े रास्ते में आपने कितना रोया कितना रोया कितना प्रेम बरसाया माँ कह रहे हैं ये तो संपत्ति आपका है मैंने आप जो संपत्ति का प्रकाश किया मैंने वो संपत्ति को संभाल के रखा है अब आप अगर इजाजत दो नित्यानंदो आप अगर इजाजत दो प्रभु प्रभु कह रहे हैं आप अगर इजाज़त दो ये प्रेम का सारे संपत्ति मैं संभाल के रखे हूँ रखे हैं और ये हम ये पद्दा नदी का पानी पद्मा नदी पद्दा देवी को दे रही मां प्रभु दे दिए पद्दा को आदेश की पद्दा सुनना जब एक बच्चा आएगा नहाने के लिए न रख तो उसका नाम क्यों कानाएं नायन नाटशाला में महाप्रभु चिल्लाना शुरू कर दिया नरोत्तम 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 तो बोले नरोत्तम कौन है कभी हम देखे नहीं सुने नहीं है माँ प्रभु कानशशाला में रोना शुरू कर दिया नरोत्तम नरोत्तम कोई समझा नहीं प्रेम विलास ग्रंथों में ये सब है अभी कुतबपुर जिसका वर्तमान नाम है प्रेमथली ये राजशाही डिस्ट्रिक्ट का वर्तमान बांग्लादेश है पहले बांग्लादेश ये की है पूरा ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल ये है अब ये नॉर्थम ठाकुर का जो स्थान है जो खेतोरी है इससे दूर नहीं है खेतोरी में आज का दिन नारायणी देवी नॉर्थम ठाकुर का नॉर्थम ठाकुर जी का मैया का नाम नारायणी देवी पिता का नाम है कृष्णानंद दत्तो और कृष्णानंद दत्तो और पुरुषोत्तम दत्तो दोनों भाई हैं दोनों राजा हैं तब की जमाने में मुसलमान राज चल रहा था दोनों को दोनों को राजा बना दिया था क्योंकि टैक्स कलेक्शन करें राजा को दे दे बाकी उसका है ये दोनों राजा है कृष्णानंद दत्तो और पुरुषोत्तम दत्तो कृष्णानंद दत्तो का लड़का है पुरुषोत्तम कृष्णानंद दत्तो का लड़का है नरोतम ठाकुर पुरुषोत्तम दत्तो का लड़का है संतोष दत्त ये राजा है बहुत अब इस समय इस समय नौतम ठाकुर एक दफे बारह साल का उम्र में नौतम ठाकुर एक दफे बारह साल का उम्र में पद्मानुदी में नहाने गए क्योंकि पद्मानुदी पूछा महाप्रभु को मेरे को कैसे पता था? मेरे को कैसे पता चलेगा कौन नर्तम है महाप्रभु ने बोले जब नर्तम तुम्हारा पानी में नहाने के लिए उतारेगा तो तुम्हारा पानी उछल पड़ेगा ऐसा ऐसा तभी तो सोचोगे नरो है अच्छा नरो ठाकुर बारह साल की उम्र में जब नहाने के लिए आए नहाना शुरू कर दिया और ये जो पद्दा नदी पागल हो गई और प्रेम नौतम ठाकुर को दे दिए नौतम ठाकुर नहा के उठा है उठने के साथ साथ देखे अपना शरीर जो है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन माँ नॉर्थम ठाकुर का सुने 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 जैसा शरीर बन गया प्रेम लेकर घर में आए उछल पड़े घर वाले घर वाले घर वाले बड़ा परेशान हो गए वो कैसा ऐसे हुआ ये भूत पकड़ा कि क्या हुआ कौन जाने ऐसा शरीर का कालर भी ऐसा हो गया उसको पता नहीं कि प्रेम मिला तब से ऐसा हो गया कि घर में रहना मुश्किल है लेकिन घर से भागना मुश्किल है जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने भागने का कोशिश किया पकड़ के लिया अंतिम में फासला किया जे कभी ऐसा तो दिन आएगा हे नित्यानंद हे गौर कभी तो ऐसा महलत आएगा कि हम भागे तुम्हारा चरण में प्रभु ने सपने में आए बोले हाँ जरूर आएगा ठहर जाओ सपने में आए प्रभु और सांत्वना दी जल्दी ऐसा हालत पैदा हो जाएगा अब इतने में क्या हुआ बांग्ला से नवाब मुसलमान नवाब दोनों राजा को बुलाए आओ चर्चा है थोड़ा मीटिंग है मीटिंग में बुलाए और कृष्णानंद दत्तो और पुरुषोत्त दोनों चल गए अब दोनों चल गए तो इसका जो गार्ड है इसका जो गार्ड हॉर बगत उसको संभाल के रखते थे गार्ड भी थोड़ा लूज हो गया और जो गैपिंग हो गया उस समय नरतम ठाकुर भागा वृंदावन के लिए मैं डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ और चलते चलते पागल का भी अभी दौड़ते दौड़ते उपवास है कभी दूध पी रहा है कभी किसी ने कुछ फल मूल दे दिए उपवास करके राजा का लड़का चल रहा है वृंदावन वृंदावन में जाके भक्तों लोगों का साथ मिला जीव गोसाई का चरण में दर्शन की और जीव गोसाई पाद जी ने बोल दिया क्योंकि पहले से ही ये लोकनाथ गोस्वामी को गुरु विचार करके रखा है मेरा गुरु है और जीव गोसाई पाद जी का सामने में शास्त्रो ध्यान आदि उस समय अहोभाग्य से श्रीनिवास जो और नॉ नौ, नॉर्थोम ठाकुर और श्यवानंद प्रभु तीनों एक साथ जीव गोस्वामी पा प्रभु का चरण में शास्त्र उध्यायन कर रहे हैं जो भी है अब दीक्षा लेने के लिए पहुँचे खैरा खदीरबन खैरा ब्रजवासी लोग कहते हैं वहाँ पहुँचे चरण में प्रार्थना की लेकिन लोकनाथ गोस्वामी बोले ये हमारा प्रतिज्ञा है मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊ किसी को शिष्य नहीं मैं खुद शिष्य नहीं बन पाया और इन्होंने प्रतिज्ञा किया मैं आपका चरण आश्रय करके रहूं आदो पदाश्रयो तस्मात् दीक्षादि शिक्षाम ये तो हो गया अदौ पदाश्रय कभी चर्चा होगा इस बात का हृदय में बैठा लिया ना लोकनाथ गोसाई की लेकिन वो मान नहीं रहा तो चुपके से सेवा कर रहा है क्या सेवा रात का टाइम में जो डोल डाल डोल डाल जाने हो ना लघु शंखा गुरु शंखा के लिए जाते हैं ना तो रात का समय में लोकनाथ गुस्से जाते हैं उसी जगह को अपना झाड़ू लगा के छापा सूत्र करके पानी दे के साफा करके आप मिट्टी का मि, मिट्टी जो छान के और पानी भर के रखते हैं लोकनाथ गुस्सा हैरान है हो गया कौन रखता है डेली इस जगह को सफा करके एक दफे निर्णय किया जब मैं छुपा के देखूं कौन कर रहा है छुपके छुपके से देखा अरे हैरान की बात है जो लड़का मेरा पास दिखा लिए कर लिए गिर गिराया वो लड़का कर रहे हैं ए तुम कौन हो डर गया आओ ओ तुम ऐसा सेवा कर रहे हो रो पड़ा और गुरु शिष्य का मिलन हो गया जाके बोलो उसको दिखा दे दिया हरिनाम दिखा दे दिया हरिनाम दिखा तो दे दिया लेकिन है तो राजा का लड़का अंतर में प्रबल वैराग्य है क्योंकि भक्ति परेशान भव विरक्ति अन क्षत्रि को एक काल प्रपद्ध मानुष्य ये जो श्लोक है कभी विचार हो पाएगा और जो श्लोक देके शुरुआत किया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कब करे कब करे ये सब चर्चा नरो ठाकुर जी ने कभी अचानक एक भिक्षुक आए भिखारी आए उसको थोड़ा रोटी भिक्षा दे दिया इतने में गुरु जी देख लिया रोटी भिक्षा दे रहा है एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या भिक्षा दे दो रोटी दिया बड़ा बात नहीं है लेकिन नरो ठाकुर ने भगवान का प्रेरणा से इच्छा करके उसको बोलो तुम चले जाओ यहां से यह भगवान का प्रेरणा है ऐसा ना समझे जो गुरुजी जी नालायक शिष्य को भगा दिया ऐसा नहीं भगवान का प्रेरणा से बोला तुम इधर से चले जाओ तुम राजा का लड़का हो तुम मेरा सा रह नहीं पाओगे गुरुजी जी खमा कर तुम चले जाओ तुम चले जाओ तुम रह नहीं पाओगे मेरा साथ मैं अनिकेत हूं मेरा कोई आश्रय नहीं कुछ तुम कैसे पेर कर जाओ चले जाओ एक बहाना है ये भगवान का विचार है नौ तुम ठाकुर आ गया जीव गोसाई बात का सामने वहाँ बैठ के तब तब की जमाने में जिबू बात ये विश्व बैश्रम राजसभा का राजपात्र है तमाम प्रचार का मालिक है तमाम शास्त्रों सिद्धांतों सिखाए उसका बाद ये तीनों को श्रीवास रामचंद्र कविराज ऐसी सिन्वा, श्रीनिवास आचार्यो शमानंद प्रभु और नरोत्तम तीनों को बोला एक बैलगाड़ी में गोस्वामी गुंडों का अध्ययन करागा कराया बोले ये सब प्रचार करो चलो ये प्रचार के समय में बैलगाड़ी करके ये जो बांकुरा में पहुँचे वहाँ वीर हम बीर राजा रात का टाइम में जो सोए सोए हुए थे बेचारे लोग बस सब लेके चला गया उस समय में समय खराब हो जाएगा इसीलिए श्रीनी चाचार्य जो, जो कह दिया जे आप एक काम करो नरोत्म को बोला आप प्रचार कर लिए चलो पूर्व दिशा में चलो पूर्व पूर्व दिशा में चलो और जितना सारे सीखे हो गुरु जी से गुरु वैष्णव से सारे प्रचार को महाप्रभु का शिक्षा और समानंद बाबू को कहे मिन्नापुर आदि उड़ीसा का पहले हुए जो बेल्ट है प्रचार के लिए भेज दिया और खुद इंतजार खोद इंतजार में रह गया कि ठाकुर जी का कृपा तो मिल भी सकता भगवान का कृपा से बीरहबीर राजा का ये जो क्रियाक्रम है ये प्रकाशित हो गया बाद में अपना प्रभाव से बीरहबीर राजा को दीक्षा दी बहुत सारे घटना और ये सब ग्रंथ राजी जो उद्धार करके लाए अब एक्सटेंसिव प्रीचिंग हो गया नौतम ठाकुर जी ने फिर पूर्व दिशा में जितना हो सके प्रचार की अंतिम में संतोष दो संतोष दत्तो मतलब अपना भैया पिता और जेठा जो है चले गए गुजर गए उसके बाद संतोष दस्तों का साथ जब नौतम ठाकुर का भेंट हुआ चरण में एकदम गिर के पागल का मापिक रोया है नॉर्थ मै उसको दिखा दे दिया ठीक है चलो दिखा दे दिया इसके बाद ये राजा है तमाम खजाना व्यय किया मंदिर बनाने के लिए राधा राधा बल्लभ जीव आदि सारे हैं ये सब विग्रह प्रतिष्ठा की इस समय ने एक उत्सव हुआ खेतुरी का उत्सव ये ये जो खेतुरी का जो उत्सव है महोत्सव है ये इतिहास बन के रह गया अप्राकृत इतिहास न भूतम न भविष्यति ना कोई किया है दुनिया में ना तो आगे चलकर कोई करेगा हिम्मत नहीं है तमाम वृंदावन पुरुषोत्तम पुर, धाम नवादीप, शांतिपुर तमाम जगह से हजारों हजारों वैष्णव आए और जह्नोबा नित्यानंद शक्ति जहनोबा देवी जी ने आए कृपा करने के लिए श्रीनिवासाचार्य जी ने विग्रो का अभिषेक किया यज्ञ किया महोत्सव किया कीर्तन और ये ये संकीर्तन में नित्यानंद और गौ गौरा प्रकट है जब सं जब संकीर्तन चल रहा है नित्यानंद गौरांग महा प्रकट है हमारे पास ज़्यादा समय नहीं दिया हमको क्षमा करें बहुत सारे चर्चा करने का इच्छा रखते हुए भी हमको बंद करना पड़ा क्या करे अब सन्यास का गहरा रहस्य का बारे में चर्चा होनी चाहिए संन्यास शब्दों का अगर थोड़ा स्प्लिट अप करें व्याकरण में तो माने क्या आता है ज़्यादातर आदमी का गलत फहमी है ये सोचते हैं कि लाल कपड़ा और डंडा लेने से ही संन्यास हो जाता है हिसाब करके देखो जो जो लोग डंडा और लाल कपड़ा लिया किसी का सन्यास शायद शायद मैं ये चर्चा करना नहीं चाहता हूँ शायद ऐसा भी हो सकते उन लोगों में सन्यास नहीं है और भक्त ठाकुर के देख रहे हैं कि गृहस्थी धर्म में है सिनेमा दाजे लोग है तो संन्यास का एग्जैक्ट एक एक्सप्लेनेशन क्या है कभी हो पाएगा चर्चा मेरे को क्षमा करना संन्यास का शब्द प्लस शैश संन्यास का दो शब्दों का विभाग करो प्लस नैश मतलब शत मतलब ये जो अपना आत्मा है शत इटर्नल जो जीवात्मा का बारे में पहले हम कह चुका बहु बार जो जीवात्मा जो है ये आत्मा जो है एक ज्ञानमय है प्रकाशमय है आनंदमय है ये नित्य आनंदमय है प्रकाशमय है और नित्य आनंदमय प्रकाशमय और ये सब आनंदमय प्रकाशमय सब बता दिया पहले तो इसका जो एक्सपोज़ल आत्मा का जो धर्म है इसका जो एग्जैक्ट एक्सपोजल इसी का नाम है संवे स्वरूप किसने नितो दास यही तो तिरंडो लेने का बाद महापू जी ने ये जो दौराया एतत समस्तायो एक तत्त स अस्थायो एतम 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 स अस्थायो त्मन निष्ठा मध्य शितम पूर्व तमेर महाध्वीर अहम तरश्यामी दुरंत बारम तमहा मुकुंदाग्रिनी शिव यही तो है तो नित्यानंद प्रभु का संन्यास का क्या कमी है जो दुनिया का आदमी चर्चा कर रहा है उल्लू का पट्टा का माफिक पता नहीं हमने पहले ही बोला ये अवधुत है संस का गहरा रहस्यों का बारे में विचार होनी चाहिए आज मेरे को क्षमा करे समय हो चुका आप लोगों को भी विश्राम करना है क्या करूं जे वामयेषे किषथकित सौहिdartा जो नेसु देहंतर वार्ता केसु गे सुजयात्म जराति मत्सु न प्रीति युक्त जबdartा श्लोके के पा सिंधवेचपति तानन पावन भष्णु भयो नमो नमः जय हो जय हो धन्यवाद 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 खूब सुनो और मेरा अपना कोई प्रचार नहीं है मैं कसम से बोल रहा हूँ आप लोगों का चरणों में मेरा अपना प्रचार नहीं है मैं देवानंद भगौरिया मठ का तरफ से बहुत प्रचार पहले भी ठाकुर जी ने कराया ग्रंथ का रूप में आदि विश्वास करो हमारा अपना कोई प्रचार नहीं अपना चुक्का चूल्हा कुछ नहीं है तो ये है जितना सारे हरिका था पहले भी बहुत हरिका था एक करके हमारा मैन पावर नहीं है जो भी हो रहा है पहले का भगवान श्री कृष्ण जो उद्ध जो उद्धव को अंतिम संवाद दिए एक एक शब्द सुनने से हमारा ख्याल से अगर मेरा आचरण थोड़ा बहुत है तो जगत का मंगल हो सकता तो गीता का प्रवचन आप लोगों का ये आदेश में कर रहा हूँ दे दो साल से हमको पता नहीं कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है ये अगर आपका वेबसाइट में आदर आगे बढ़ाओ तो अच्छा होगा क्योंकि आपका भी कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है मेरा भी सेल्फ इंटरेस्ट आपका शर्त नहीं है मेरा भी शर्त नहीं ये विनती रहा ये तो ठीक है हमारा नहीं सुन रहे हैं हमारा गुरुवर्गो का सुन रहे हैं कि सब महाराज का बावन में है अपना तो कुछ है नहीं अपना तो कुछ है नहीं पौपात का गुरुवर्गो का सुन रहा है मेरा क्या आता जाता है बोलो हमारा कुछ नहीं सुन रहा है ये जो सुना है मैंने गुरुवर्गो से ये दौड़ा रहा हूं मैं ये श्रृतिपट में आ जाता है ना कीपा करके वैष्णव लोग कीपा कर देते हैं ठीक है चलो आप लोग रात हो गया आपको विश्राम भी करना है <laughs> चलो कीर्तन बीर्तन करके खत्म करो है अब ऐसा तो है भक्तों लोगों ने आदेश जारी किया आप लोग मेरा पिता हो आदेश किए हो कभी कभी ऐसा हो जाता कि चार कथा हो जाता इसमें मेरा एडिटिंग का समय नहीं मिलता सुबह में सात बजे से नौ साढ़े नौ इसका बाद गौशाला में जो सैटरडे संडे जो ऑनलाइन टीचिंग बृहद भगवत अंग्रेजी हिंदी हिंदी में गीता इसका बाद फिर रात को आके इधर मतलब चार कथा फिर भी हम इतराज नहीं है हम आपका आदेश मान लेंगे इस सैटरडे को सैटरडे को आपको चार कथा होगी कभी तीन कथा कभी चार कथा ये आप लोगों का मेहरबानी है हो जाएगा खिब आशीर्वाद खिब आशीर्वाद देना मेरे को इतना ही काफी और कुछ नहीं चाहिए <laughs> हाँ ठीक ठीक हाँ अगर का एक, है, कोई, आ, कोई अगर किसी का एक एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकली कोई कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है कोई अगर प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन है ये तो आपकी मेहरबानी है मेरा कुछ नहीं है ये बामुन जी महाराज को बोलो बामुन जी महाराज को बोलो ये मेरा हृदय में बैठेगा जरूर हंड्रेड परसेंट तिथो महाराज जी बामन गुस्से महाराज तिथो महाराज ये मेरा गुरु है गुरु का काम है शिष्य को कृपा करना ये जरूर करेंगे हमारा जो जितना हो सके हम करेंगे सेवा हमसे जो जितना बन पाए थोड़ा कीर्तन करके समापन करो